वाली नहीं आया उस 20 घंटे के बाद होने की वजह यही है कि यानी इसके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर हुआ इसके ऊपर, नहीं तो अगर पुलिस चाहती थी उसी वक्त तो मेरे ऊपर रात में FIR दाखिल कर देती थी, क्योंकि ऐसा मामला था ही नहीं जैसा पुलिस ने कंप्लेंट के अंदर लिखाया। सरासर बाकायदा बदनामी है मेरी इस शहर के अंदर, मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये बदनामी हुई है बाकायदा, मैं इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मैं आपसे फिर ये कहूंगा, खासतौर पर मराठी मीडिया के अंदर ऊपर जाएगा आपका पेपर, मैं ये कहूंगा कि भाई उनकी बदली करके उनकी चौकसी करना चाहिए, और नहीं तो 10 जनवरी को मैं चूड़ी पहनकर महात्मा गांधी फुले के पुतले के पास मैं एक दिन का धरना चूड़ी पहनकर और मुंह पे काली पट्टी लगा के मैं बैठूंगा, एक दिन का मेरा धरना रहेगा। उनकी यहाँ से बदली होना चाहिए और पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। DYSP साहब जो है अच्छे ऑफिसर है, शहर में काम कर रहे, सब कोई शहर अच्छा बोल रहा है, और मैं तो कहूंगा कि ऐसे ऑफिसर बहुत दिन के बाद राजमाने साहब के बाद शहर के अंदर आए, काम कर रहे हैं, हमारा भी फर्ज होंगे उनके साथ काम करने का, जो अच्छा रहेगा हम हमारी पार्टी के लोग उनके साना बासाना खड़े रह के काम करेंगे, हम उनके लिए कोई दो राय नहीं कि अच्छे काम ऑफिसर की हम सराहना करेंगे। शहर के अंदर गुंडागर्दी कहीं ना कहीं रुकी है, कहीं ना कहीं कारोबार रुक रहा है, दो नंबर करने वालों का कारोबार रुक रहा है, गुटके की रेड हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे ऑफिसर आए मालेगांव शहर के अंदर काम कर रहे हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। हमारे एडिशनल SP साहब भी अच्छे ऑफिसर है, वो भी आए, उन्होंने भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम दोनों ऑफिसर को मुबारकबाद देते हैं और उन्होंने शहर के अंदर काम करेंगे, हम उनके साना बसाना खड़े रहेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे, अधिकारी का मतलब मकसद यही है कि जो बोलेंगे उसके ऊपर केस करो। रिजवान बैटरी वाले ने बोला था, बोलता था 12 नवंबर को डाल दिए, मुस्तकीम डिग्नेटी को डाल दिए, सुब इलियास को डाल दिए, तो शहर के अंदर बोलेंगे कौन? अगर मैंने बोला इस बात बच्चे को मार रहे थे तो ये तो हमारे को फिर चूड़ी पहनने की बात है ना। 10 जनवरी तक के अगर इस ऑफिसर की बदली नहीं हुई, हम 10 जनवरी को मैं खुद चूड़ी पहन लूंगा, इसके बाद इसका मतलब ये होगा कि हमने बोलना नहीं। नहीं, मैं अधिकारी लोगों को कहूंगा, ये अधिकारियों का मामला है, मैं अधिकारी से कहूंगा, जो वरिष्ठ अधिकारी है यहाँ से, DYSP साहब, SP साहब है, सीनियर SP साहब है, IG साहब है, मैं सबको लेटर, हम 2 दिन के अंदर लेटर देंगे, उसकी कॉपी आपको सबको देंगे, और 2 दिन के अंदर मुतालबा करेंगे ये सब हम उनसे, और उनसे कहेंगे कि भाई हमारा ये मुतालबा है, और ये मुतालबा हमारा पूरा होना चाहिए, नहीं तो हम इसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे, चूड़ी पहन के एक दिन का एहतजाज करेंगे और खत्म करेंगे। देखो हम तो छोटे लोग हैं, हमारे से बड़ी जो ताकत है वो यही चाहेंगे हम ना उभरे, इसके लिए वो हर हाल में हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर ये करके उन्होंने जो भी करा होगा, हमारे से बड़ी ताकत ने की जो 20 घंटे के बाद केस दाखिल हुआ, नहीं तो केस दाखिल अगर डिपार्टमेंट को करना रहता तो डिपार्टमेंट उतनी टाइम रात को केस दाखिल करा देता। तेईस नवंबर रात में तकरीबन 12:30 बजे के दरमियान मैं मेरे वार्ड से पैदल मेरे घर की तरफ जा रहा था, जाते जाते अमन चौक के अंदर 2-3 पुलिस वाले थे और एक PSI था, वो जो PSI थे वो एक बच्चे को मार रहे थे, तो मैं रुक कर उनको बोला कि साहब क्यों मार रहे, उसने क्या किया माला, उसके ऊपर से उन्होंने मेरे से दो बात किए और कोई इसमें धक्का बुक्की नहीं हुई, उन्होंने उल्टा मुझे कहा कि चलो तुम अपना काम करो, मतलब साहब ठीक है हम हमारा काम करें, तुम भी अपना काम करो, मगर इस तरीके से मत करो जिस तरीके से आप कर रहे हो, बच्चे को मार रहे, और उन्होंने मेरे खिलाफ में खोटी फरियाद दिया। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कल हम लोग एक लेटर देने वाले हैं जिला SP साहब को, IG को, गृह मंत्री को भी लेटर देंगे, यहाँ पर एडिशनल SP साहब को भी लेटर देंगे कि इसकी तहकीकात एक DYSP रेंज के ऑफिसर से होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए कि भाई ये बात क्या थी। उन्होंने बच्चे को बेताशा मारा, जिसकी क्लिप भी आपने लोग ने देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता देता हूँ। उनकी 70% से ज़्यादा आबादी मालेगांव शहर की गरीबी की रेखा के नीचे जिंदा है, 2.5 रुपये से 13 रुपया कर देना एम्बुलेंस का किराया, यानी मरते को पहले से मार डालने के बराबर है। और आप लोग सभी जानते हैं गरीब आदमी इलाज के लिए इतना हैरान रहता है कि उसके पास दवा दारू के पैसे नहीं होते। अभी तक हमारे मेम्बरान हमदर्दाना तौर से एम्बुलेंस के चार्ज लिया करते थे, उसमें गरीब आदमी की बेसात में
उसके जितने भी इख्तियार में रहता था, बाकी वो दूसरों से मदद लेकर ये काम जैसे वैसे नासिक बम्बई जहाँ भी उसको इलाज के लिए इमरजेंसी में जाना पड़ता था वो करता था। आज 13 रुपया प्रति किलोमीटर, ये गरीब आदमी की तो बात जान दो, मिडिल क्लास आदमी के लिए भी एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। हम लोगों ने इस ताल्लुक से मेमोरेंडम दिया और इस बात का इजहार किया है कि अगर कॉरपोरेशन के प्रशासक ने इसके ऊपर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया तो हम लोग इसको अवामी तहरीक में लेके जाएंगे, हम लोग एहतजाज करेंगे, हो सका तो प्रशासक का घेराव करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है इस ताल्लुक से। हम वो तमाम के तमाम काम जमहूरी तर्ज से करने की बराबर कोशिश करेंगे। जहाँ तक बिजली का विषय है, कलकत्ता की ये जो फ्रेंचाइजी है, सही मानों में ये सिर्फ यहाँ अपना मुनाफा देखने के लिए आई है। आने से पहले जो मुआयदा हुआ था कि 20 करोड़ रुपया हर साल हम लोग यहाँ पर बिजली सुधार के नाम पर, नए डीपी के नाम पर, बिजली की जो तकलीफें उनको दूर करने के नाम पर, वायरिंग में चेंजेस के नाम पर हम लोग हर साल 20 करोड़ रुपया अलग से खर्चा करेंगे। पिछले दिनों पावर लूम संगठन के लोग, बहुत सारे कारखानेदार पुलिस प्रशासन के सामने, एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी के सामने और दूसरे जिम्मेदार उनके सामने, उसके जो सीईओ हैं, मेरे ख्याल से प्रेम सिंह नाम है, और दूसरे जिम्मेदारान से जब ये पूछा गया कि आप यहाँ पर 3 साल से हो, आप अब तक आप लोगों को 60 करोड़ रुपया इस मद में खर्च कर देना चाहिए था, आपने इसमें कितना खर्च किया, उनका जवाब इतना गोलमोल था कि बार बार पूछने के बाद उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की कि हम लोगों ने मुआहदे के मुताबिक इसमें क्या कुछ काम किया है। वो सिर्फ यहाँ पर खून चूसने के नाम पर आए, नए नए चार्जेस लगा रहे हैं और आज ये हालत है मालेगांव इंडस्ट्री की कि पावर लूम आधे से ज़्यादा बंद है और जो चल रहे हैं वो भी ऐसा मान के चलिए कि बस सिर्फ इज्जत छुपाने के नाम पर वो अपने कारोबार कर रहे हैं। शहर में क्या काम होते हैं और किस तरीके से काम होते हैं ये भी आप जानते हैं। बहुत छोटा सा एक मसला है शहर की साफ सफाई का, शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार है, बार बार प्रशासक प्रशासक करा है, मेमोरेंडम देने के बाद भी इस जानिब कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं की जाती है। एक छोटा सा मामला जो कि बसानी प्रभाग के अधिकारी भी जिसे हल कर सकते हैं, लेकिन उसे इतना बढ़ा दिया जाता है, इतना बढ़ा दिया जाता है कि गटरें ब्लॉक हो जाती है गलियों के कोनों। ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं हुए तो आने वाले मंगल को, अगले मंगल को मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एजाज बेग साहब की कयादत में कॉरपोरेशन पर एक ज़बरदस्त धरना आंदोलन किया जाएगा, प्रशासक का घेराव किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि हमारे जो मुतालबात है वो माने जाए, क्योंकि शहर के आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। राशन दुकानों के जो चेयरमैन हैं वो भी बोल रहे हैं खाली राशन दुकानें अपनी बढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि राशन वालों को बचता नहीं।